तो स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल पे आपका। तो किस खास तरीके से पसंद है आपने देखी अभी कार्तिक आर्यन स्टारिंग भूल भुलैया 2? भूल भुलैया 2 जो है वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 2007 में आई थी अक्षय कुमार की भूल भुलैया, जो कि डायरेक्टर बाय प्रिया दर्शन थे और म्यूजिक बाय प्रीतम था और वो मूवी भी अच्छी थी। दैट वाज वो जमाना जब अक्षय कुमार का था। अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस के किंग थे उस जमाने के और प्रिया दर्शन में भी सब पिक्चर हिट होते थे। जैसे हेरा फेरी थी, उनकी गरम मसाला थी, चुपके चुपके थी, माला माल बिखरी थी, तो उन्होंने बहुत एक पे एक पे एक पे हिट देते गए। तो उस जमाने में अक्षय कुमार भी उनके फेवरेट हीरो थे, तो वो मूवी भी अच्छी थी। तो ये पार्ट 2 जो अभी आफ्टर 15 ईयर्स के बाद, तो कार्तिक आर्यन ने बहुत अच्छा काम किया है और कीरा आडवाणी का दोनों केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो कॉमेडी इसमें भरपूर कॉमेडी है। फर्स्ट पार्ट में जो कॉमेडी थी वो कॉमेडी भी अच्छी थी, लेकिन ये कॉमेडी जरा एक लेवल ऊपर गई। क्या बात है, या ये कॉमेडी एक लेवल ऊपर गई और हॉरर भी बहुत अच्छा दिखा है। उस पिक्चर से मुझे इस पिक्चर में हॉरर अच्छा लगा और इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बहुत है। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। सस्पेंस भी बहुत काफी अच्छा है, सस्पेंस बहुत ही अच्छा लगा। टब्बू जी इस पिक्चर के मेन बैकबोन, टब्बू जी ने बहुत अच्छा काम किया है। म्यूजिक इज ऑल्सो गुड और जो हरे राम हरे कृष्णा सॉन्ग है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए विद फुल ब्लैक सूट एंड ऑल एंड एवरीथिंग। म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक को जरा साउंड बढ़ा के दिखाया, बहुत अच्छा है। और देताली सॉन्ग जो है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सॉन्ग है, वेरी कैची सॉन्ग। और जो नशे में सॉन्ग है वो भी रोमांस सॉन्ग भी अच्छा है। मूवी इज ऑल आउट गुड। क्या बात है, इस मूवी में अर्जुन राम सॉरी राजपाल यादव और संजय मिश्रा उनका कॉमेडी, राजपाल यादव का काम भी काफी अच्छा है। संजय मिश्रा उनका नाम लेके मुझे हंसी आने लगी और संजय मिश्रा जी का काम जब वो थोड़े बहरे रहते हैं तो राजपाल बोलता बड़ा हरामी है, बोलता अंतर्यामी है तो काफी हरामी है। और फिर एक उनका एक और बोलता बेइज्जती के पैसे लेने बिग बॉस चले जाए तो उधर कमा लेंगे बेइज्जती के पैसे। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कार्तिक आर्यन ने भी बहुत अच्छा कॉमेडी किया और कीरा आडवाणी ने भी अच्छा किया। दोनों की केमिस्ट्री बहुत जम गई मूवी में। और ये फैमिली मूवी है, फैमिली ऑडियंस विल बी बैक अगेन। बॉलीवुड का लेवल अभी वापस बढ़ जाएगा। क्या बात है, फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करें जो कि फर्स्ट पार्ट में सर कोई मतलब नहीं है, दोनों अपोजिट मूवी है। मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्टर अनीस बाजमी जिन्होंने वेलकम बनाई है, नो एंट्री बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई है। उनकी पिक्चर आज भी कॉमेडी पिक्चर सब चलती है। वो अनीस बाजमी इज अ गुड डायरेक्टर। और ये जो प्रिया दर्शन वो अपने तरह के, वो थोड़े साउथ इंडियन डायरेक्टर, दोनों का मैचिंग ही नहीं हो रहा है। पिक्चर दोनों टोटली डिफरेंट अपोजिट। अच्छा, तो अगर काम की बात करें तो अभी ज्यादा करके लोग ये बोल रहे हैं कि कार्तिक आर्यन का जो लेवल है वो अक्षय कुमार के साथ मैच नहीं हो पाया। तो नहीं, कार्तिक आर्यन ने बहुत अच्छा काम किया। उनकी फीमेल फॉलोइंग बहुत है, ऑडियंस उसकी फीमेल फॉलोइंग बहुत है, आज के यंगस्टर्स उसके बहुत है, वो जरूर कैच करेंगे। और फैमिली ऑडियंस को जरूर करेंगे, बच्चे भी उनको पसंद करते हैं। जैसे वरुण धवन हो गए, वैसे कार्तिक आर्यन भी एक वो लेवल के एक्टर, 100% चलेंगे वो। क्या बात है, अगर पूरी पिक्चर में अगर एक कौन सा पर्टिकुलर सीन आपको पूछूं जो आपको सबसे बेहतरीन लगा या सबसे पसंद लगा? लास्ट में क्लाइमेक्स तब्बू जी का बहुत अच्छा लगा। तब्बू जी को मेरे को उसका नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, डन अ गुड जॉब। फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिलेगा और उनको अवार्ड मिलना ही चाहिए। शी हैज मतलब उन्होंने ऑडियंस को पकड़ के रखा। अच्छा, पिक्चर अगर तब्बू नहीं होती तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती। बहुत अच्छा, जिस तरीके से इस मूवी का ट्रेलर आया था तो लोगों ने काफी हेट पैदा की थी इस ट्रेलर के लिए और मूवी के लिए। तो अभी आपने मूवी फाइनली देख ली है तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? जिस तरीके से ट्रेलर के लिए लोग हेट फैला रहे थे और अभी पिक्चर के लिए पॉजिटिव रिव्यूज निकल रहे, तो उनके लिए आपका कहना क्या रहेगा? मेरा कहना है पिक्चर बहुत अच्छी है स्टार्टिंग से एंड तक, कॉमेडी बहुत भरपूर है, सस्पेंस भी है, मसाला पिक्चर है और कार्तिक आर्यन ने एक लेवल ऊपर अपना एक्टिंग दिखाया है। तब्बू तो शी इज अ वर्सेटाइल एक्टर, उसमें नो डाउट। कीरा आडवाणी शी इज लुकिंग चार्मिंग। पिक्चर में आपको सब है, मसाला है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, एवरीथिंग यू गॉट। उसमें एक जूनियर आर्टिस्ट, एक बच्चे का रोल है, उन्होंने भी अच्छा किया है। वो मेरे ख्याल से ट्रेलर में दिखाया था, इसी को उसने नहीं दिखाया। बोला फ्राइडे है, बोले कुत्तों को खाना खिलाते हैं तो आप खाना ढूंस दो, तो उसके पीछे भागते हैं। वो सीन पता नहीं काट दिया, क्या कॉमेडी सीन। क्या बात है, या, मुझे तो अच्छा अभी जिस तरीके से इस मूवी का जॉनर है हॉरर एंड कॉमेडी, तो कितना आप हंसे और कितना मतलब आप डरे? बहुत हंसे सर, बहुत हंसे। हंसे में तो मतलब कॉमेडी इसमें बहुत भरपूर है। फैमिली ऑडियंस को आना चाहिए, देखना चाहिए। और ये पिक्चर सैटरडे संडे हाउसफुल जाएगी पूरी। क्या बात है, लास्ट सवाल देगा सर, 5 में से कितने? 5 में से मैं इसको 3.5 दूंगा। 3.5, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। थैंक यू।